नमस्कार, रसोई की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे खास गर्मियों के लिए ठंडी और टेस्टी दही की लस्सी, जो हम सभी को बहुत पसंद है। रसोई की डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम दही। मैंने ताज़ा दही लिया है, बहुत खट्टा दही नहीं है ये। और कुछ हमने आइस क्यूब लिए हैं। 2 से 3 इलायची मैंने छीलकर इसे पीस करके रख लिया है। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। हमने कुछ धागे केसर के लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। 4 बड़े चम्मच हमने शक्कर लिया है। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आपको शक्कर लेना है। तो हम लस्सी बनाना शुरू करते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए हम एक जार लेते हैं, इसके अंदर हमें इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। तो इसमें हम आइस क्यूब डाल देंगे और इसके अंदर दही डालेंगे, इलायची पाउडर भी डाल देंगे, इसके अंदर केसर भी डाल देंगे और शक्कर डालेंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, चेक करते हैं। और दही हमारा अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है और लस्सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम ग्लास में निकालते हैं। लस्सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये खास गर्मियों के लिए ठंडी ठंडी दही की लस्सी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये पीने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो आप इस तरीके से लस्सी बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।